Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नाना नाना नाना, ये सब हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है अपने घर में? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि ये सब अगर किसी को पता है ना, तो वो आप हैं। नाना नाना बताइए ना, आखिर इस वंशावली का रहस्य क्या है? क्या उस आदमी को सामने जिंदा गाड़ा था? इस घर को उस आदमी का श्राप है क्या? ये श्राप कभी दूर भी होगा या नहीं? नाना नाना बताइए ना, नाना नाना बोलिए ना। नाना मुझे ना आजकल तलघर से आवाजें आती हैं। किसकी आवाजें हैं पता नहीं, लेकिन आती जरूर है। ऐसा लगता है कि वो घर के हर एक सदस्य को बुला रहे हैं, ले जाएंगे उन्हें। नाना अपने तलघर में जो कंकाल मिले हैं ना, कहीं उनकी ही आवाजें तो नहीं है ना? कहीं वो मुर्दे ही तो सबको पुकार नहीं रहे होंगे ना? क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है नाना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब बातों का जवाब ना सिर्फ आपके पास है नाना। नाना आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना नाना, प्लीज प्लीज। और हमें बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ नाना नाना, ये इस घर में क्या हो रहा है? नाना नाना भाभी, पानी रखा है, दवाइयाँ दे दी ना? हाँ नीलिमा भाभी ने दे दी। अच्छा सुनो ना, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? अगर आई को होश आया और वो फिर से बड़बड़ाने लगी तो? उसमें क्या डरना है, घर में इतने सारे लोग हैं और अभी तो वो सोई हुई है ना, तो आप भी जाकर सो जाइए। हाँ पर बीच बीच में आकर देख लेना, ठीक है? चलिए। हाँ
अजी कहाँ है आप? अजी कहाँ कहाँ है आप? अजी 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 कहाँ है कहाँ है आप? छायत आई की हे बावले चुप बैठ। क्या पूछ रहा हूं मैं? तुम्हें छाया से शादी करनी है? हाँ, मुझे छाया से शादी करनी है। छोड़िए मुझे। अजय, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए तुम? क्यों गए? तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे लिए तुमने मार भी खाई। सबके सामने खड़े होकर कहा कि मैं छाया से शादी करूंगा। तो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मेरा जीवन खत्म हो गया था। तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी थी। हमारी शादी होने वाली थी। मैं भी बाकी औरतों की तरह सुहागिन बनती, सारी इच्छाएं पूरी होती, तुम्हारा सहारा मिलता। मेरे सारे सपने टूट गए। तुमने मुझसे वादा किया था अजय, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया अजय। मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसे क्यों चले गए तुम अकेले? अजय, जाना ही था तो मुझे साथ में लेकर जाते। अब मैं अकेले क्या करूं अजय? मैं अकेले क्या करूं? तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं? कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। मेरी आई को इस घर के लोगों ने पेड़ी पर कदम तक नहीं रखने दिया। उसकी जान ले ली। इसी पेड़ पर लटकी थी मेरी आई। किसकी वजह से? इस घर के लोगों की वजह से। पर इस घर के लोगों ने मेरी आई के गहने भी नहीं रहने दिए उसके बदन पे। वो तक उतार लिए थे। कहाँ जा रही हो? ये सब मेरे साथ बोलने की और अभी मेरे साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू भी तो इसी घर की है ना? और तेरे बाप ने भी कोई कम मुर्दे नहीं गाड़े हैं। सुषमा, तेरे बाप ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, तब भी मैं बोलने से नहीं रुकी थी। तो तुझे क्या लगा अभी रुकूंगी? मेरी आई को सब भूल चुके हैं। सबके सब उन गहनों के पीछे पड़े हैं। पर मैं मेरे हिस्से के गहने लेकर ही रहूंगी। मेरे आई के गहने हैं वो। वो ऐसे छोड़ेगी नहीं किसी को। मेरी आई मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है। वो अब एक एक का बदला लेगी। इस घर में कभी खुशियां नहीं आने देगी वो।
अभी तक जितने मुर्दे गाड़े हैं वो सब छाती पे बैठेंगे। सबके Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।